दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज यानी कि 30 अक्टूबर को सभी सेट में पूछे गए सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस के, फिर चाहे वो आपका रीजनिंग का सेक्शन हो, करंट अफेयर्स का, मैथ्स या फिर आपकी जीएस का सेक्शन हो, हम चारों सेक्शंस के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, इस कारण आपके लिए एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपका एग्जाम आने वाले टाइम में तो आप हमारे डेली के एनालिसिस जरूर देखें। डेली के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उबर कप 2018 का विजेता देश कौन सा है। तो उबर कप 2018 का विजेता देश है आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया। तो वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोला ने बनवाया। नेक्स्ट है सुधीर मुख्तियार के पास कौन सा मंत्रालय है महाराष्ट्र में। ये आपके महाराष्ट्र के ही किसी जोन में पूछा गया होगा बिकॉज आपको हर स्टेट का हर जगह जोन में पूछ सकता है। तो सुधीर मुख्तियार के पास कौन सा मंत्रालय है, तो फाइनेंस एंड प्लानिंग और आपका फॉरेस्ट, ये दो मंत्रालय है उनके पास। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 किसने जीते, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो ये आपकी भारत ने जीती थी। नेक्स्ट है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आपके ऑप्शंस में भूटान थे और भूटान का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 का जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो किन्हें मिला, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। 2017 का मूर्ति देवी पुरस्कार ये आपके 5 से 6 बार ग्रुप डी में पूछ चुका है, तो ये मिला था जॉय गोस्वामी को। नेक्स्ट है यूएस ओपन तो वुमन 2018 के विजेता, ये भी क्वेश्चन आपका 3-4 बार पूछ चुका है, तो ये है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है द रूल ब्रेकर्स किताब के राइटर कौन है, तो कैट कार्मिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया का कहाँ का ऐसा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग मिला है, तो उड़ीसा का। नेक्स्ट है 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो ये मिला था विनोद खन्ना को। फिर आपसे पूछा है कि राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 153 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली है आपके, जिन्हें हम ओली शर्मा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले पूछता था उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, आज आपसे पूछ दिया नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो ये उड़ीसा के हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डेली आपके सीएम और गवर्नर के क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं स्टेट्स के, तो आप उसके वीडियो जरूर देखिए, उसके वीडियो भी आपको हमारे मिल जाएगा, उसके लिए भी हमने आपके लिए अलग वीडियो बना के रखा है। नेक्स्ट है 0.25 मोल पानी का द्रव्यमान कितना होगा, पहले आपसे देख के रखता था कि इतना ग्राम पानी का पानी में कितने मोल्स होंगे, इस बार उल्टा दिया गया है, तो 0.25 मोल पानी का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो आपको पता है अगर हमें मोल निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, जितना द्रव्यमान दिया रहता था उससे हम उस मॉलिक्यूल के द्रव्यमान को डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे मोल ही पूछ रहा है, तो जितना मोल है मल्टीप्लाई बाई उस मॉलिक्यूल का द्रव्यमान, तो पानी यानी H2O, तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हमने किया, ये हमारा 4 times, ये 2 times एंड ये 9 times, तो आपका आ जाएगा 4.5 हो जाएगा आपका आंसर। 0.25 मोल पानी का द्रव्यमान कितना हो गया, तो 4.5। फिर ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि स्लैक लाइम यानी बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH का होल 2 होता है। नेक्स्ट है सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला हमारा तत्व होता है लिथियम। इसे हम सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सबसे कम घनत्व वाला एलिमेंट होता है। फिर ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो 63 तत्व है। फिर ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है कि नोबेल गैस किस समूह को कहते हैं, तो 18वें ग्रुप को हम नोबेल गैस कहते हैं। फिर हमसे पूछा कि पूरी आवर्त सारणी में कुल कितने गैसेज हैं, तो 7 गैसेज हैं। ये तो थे आपके जीएस और करेंट अफेयर्स, अब देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन कह रहे हैं 7-20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखो 7-20 में आपको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री का आपका हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करने होते हैं, तो 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट, तो 20 इक्वल टू हमारा हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई आवर प्लस माइनस थीटा, ये आपका 10 times हो गया, तो 110 माइनस 210 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस थीटा, तो आपके थीटा की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। तो 7-20 में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, तो 100 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुलाई 2007 में कितना शुक्रवार था, तो जुलाई 2007 में निकालने के लिए अब सबसे पहले 1 जुलाई 2007 को देख रहे हैं कौन सा दिन पड़ रहा था, तो 1 + जुलाई का कोड 0, 2000 का सेंचुरी कोड 6 और 7 का 7, लीप ईयर की बात करें तो 1/7, तो 7/7 तो हमारा कैंसिल हो गया, नो एनी रिमाइंडर, हमारे पास 1 बच गया यानी कि हमारा हो गया संडे।
तो हमारा फ्राइडे कब पड़ेगा? तो 6 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। नेक्स्ट 7, 6, 13, 13, 7, 20, 20, 7, 27, इन 4 दिनों को फ्राइडे ही पड़ सकता है, यानी कि 4 हो जाएगा। कितना शुक्रवार था? तो 4 शुक्रवार था। फिर बात कर लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि आपसे पूछा था मिरर इमेज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मिरर इमेज में आपको इस तरीके से डायरेक्शन दी गई थी, यहाँ इस तरीके से पूछ रहा था इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ये इस तरीके से, इसका जस्ट अपोजिट इस तरीके से बन जाएगा। फिर आपको एक और क्वेश्चन था कि आपको एक इस तरीके से दिया हुआ था, एक अगर इसे बना दिया जाए इस तरीके से, इस फिगर में हमसे पूछ रहा था कि कितने ट्रायंगल्स होंगे। आपके ऑप्शन थे 4, 5, 5 से अधिक इस तरीके से। तो आप देखो 3 यहाँ 3 यहाँ तो पहले ही हो गए, तो आपके 6 हो गए, यानी 5 से अधिक ट्रायंगल बनेंगे। फिर बात कर लेते हैं आप कुछ मैथ्स के क्वेश्चन का। कह रहे 75,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा? 75,000 रुपये की आपकी बात कर रहा है, 15% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 75,000 का 15% निकालने है, 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 बार, तो 75,000 × 15/100 करेंगे तो 0 से 0 इस तरीके से कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 11,250। फिर से अगर 15% करते तो ये हमारा आ जाता है 1687.5। अब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, अगर हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो 2:1 करना पड़ता है, बट डिफरेंस में हमारा 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, तो 1 के लिए हमारा 1687.5 रुपये हो जाएगा हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कह रहा है कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का अंतर पूछ रहा है, तो 8,000 का आप 5% निकालोगे 3 बार, तो 5% यानी 1/20 निकालना पड़ेगा, तो हमारा पहले तो 400 आएगा, दोबारा 5% करेंगे तो 20 आएगा, एंड दोबारा 5% करेंगे तो 1, और 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है 3:3:1, बट डिफरेंस पूछ रहा है तो शुरू के 3 को हटा देंगे, तो 3 × 20+1 यानी कि 61 रुपीज़ हमारा डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रखा है कि राम के पास मोहन से 50 कंचे अधिक है, राम के पास यदि 150 कंचे है तो मोहन के पास कुल कंचों का कितना प्रतिशत कंचा है? तो आपको राम के पास तो दे रखे है 150 है, और कह रहा है राम के पास मोहन से 50 कंचे अधिक है, यानी कि मोहन के पास राम से 50 कंचे कम है, तो मोहन के पास कुल कितने कंचे हो गए? तो 100। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 / कुल कंचों का परसेंटेज, तो पहले 150 और फिर से 100, तो 250 हो गया मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आपका 4 टाइम्स, तो आपका आ गया कुल कंचों का कितना प्रतिशत है, तो 40% है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 30 अक्टूबर को पूछे गए सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस के, फिर चाहे वो आपका जीएस का सेक्शन हो, करंट अफेयर्स का, या मैथ्स या रीजनिंग के, सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, साथ ही साथ आप हमारे डेली के एनालिसिस देखना ना भूलें। हमारे डेली के एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक यानी कि फंगाई होता है, एक प्रकार की आपकी कवक होती है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 वाट का कोई बल्ब 10 घंटे के लिए जलता है तो उसमें खपत की गई ऊर्जा क्या होगी? तो आपको 200 वाट की बात कर रहा है बल्ब की और 10 घंटे की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हमेशा किलो वाट आवर में होता है। तो 200 वाट है तो इसे सबसे पहले हम किलो वाट में चेंज करेंगे, उसके लिए 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 10 आवर है, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा कितना, तो 2 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयरन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर सकता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स को बस लेते हैं, दान कभी नहीं करते हैं, जबकि आयरन जो है दान कर सकता है, तो आपका आंसर होगा आयरन। फिर हमसे पूछा मानव मादा में युग्म कहाँ बनता है? तो फैलोपियन ट्यूब में बनता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज कैसे बनता है? तो बीज ऑक्सीजन से बनता है। फिर ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि पौधों में वृद्धि का हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन से ऐसे तत्व हैं जिनमें 8-8 तत्व रखे जाते हैं? तो दूसरा और तीसरा जो होता है आवर्त, कौन से ऐसे दो आपके आवर्त थे? तो आपका दूसरा और तीसरा जो होता है उसमें दूसरा और तीसरा में हमारे 8-8 तत्व पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। फिर हमसे पूछा कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो आज़ादी के बाद जो है पहले प्रधानमंत्री हमारे बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि हरित क्रांति के पिता किन्हें माना जाता है, तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, और फिर अगर बात करें इंडियन तो आपके स्वामीनाथन थे जिन्हें कि हरित क्रांति के पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद आम चुनाव कब पहली बार हुआ, तो 1951 से 1952 के बीच हुआ। फिर हमसे पूछा कि आईफा अवार्ड में नेगेटिव रोल के लिए किसे मिला अवार्ड, तो जीम सरब को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में वित्त मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल थे। ऐसे तो आपके वित्त मंत्री है अरुण जेटली, बट अगस्त 2018 में पीयूष गोयल बने थे। जब अरुण जेटली की तबीयत खराब हुई थी तो अगस्त में आपके 23 अगस्त तक पीयूष गोयल रहे थे, तो आपको आंसर पीयूष गोयल लगाने हैं, ना कि अरुण जेटली। नेक्स्ट है, 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो पद्म विभूषण पुरस्कार कुल 6 लोगों को मिला था। टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू हम निकालते हैं कैसे है, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2। अब आपको इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे देख लेंगे, तो ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे हमारा 4 है, तो 2 प्लस 1 बाई 2 यानी 2 प्लस 0.5, तो हमारा आंसर हो गया 2.5 के लगभग आपका आ जाएगा। अब अगर इसे आप देखो कि अगर हम इसे माइनस में करना चाहें, जैसे कि हम 4 प्लस 2, इसे हम कह सकते 9 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो 3 होता है, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 3 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 3 माइनस 0.5, तो आपका 2.5 ही आया। अब किसी भी मेथड से बनाओ, माइनस करके या प्लस करके आपका सेम ही अप्रॉक्स में इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एक वृत्त की जो परिधि है वो किसी आयत के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, कह रहा है सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, तो दोनों के क्षेत्रफल का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है, तो 2 × π × r होता है, और अगर बात करें इसके हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो ये हमारा होता है 2 × length + breadth। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रेडियस इक्वल टू हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइडेड बाई पाई। अब दोनों के एरिया का हमसे रेशियो पूछा है, तो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर बात करें रेक्टेंगल के तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब अगर पाई को पाई ही रहने दो और रेडियस की वैल्यू डालें, तो लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू है हमारा एल इंटू बी, एक पाई से एक पाई कैंसल, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये हमारा रेशियो में जा रहा है, तो इसे हमने रेशियो लिख लिया, तो एल लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर पाई हमारा ऊपर चला गया, रेशियो हो जाएगा पाई एल बी। अब अगर इसमें वैल्यू कुछ दिया हो गया तो वैल्यू के अनुसार हो जाएगा, या फिर आपके आंसर में अगर सॉल्व करके दिया होगा तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हुआ इसके बनाने का मेथड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या, कि आपसे पूछ रहा है tan 45 × cot 45 × sin 90 × cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी हम वैल्यू देख लेंगे, तो tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की भी 1, sin 90 की 1 एंड cos 60 की 1/2। अब 1 से किसी चीज़ को गुणा करेंगे तो वही नंबर हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये थे हमारे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, अब देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको साइलोलॉजिज्म से कह रहा है सभी गाय बैल हैं और कोई बैल बकरी नहीं है। अब इस पर निष्कर्ष दे दिया है कि कुछ गाय बकरी नहीं है या कुछ बैल गाय है, तो सबसे पहले हम इससे वेन डायग्राम बना के देखेंगे। कह रहा है सभी गाय बैल है, तो काऊ हो गई और यहाँ हमारा ऑक्स हो गया, सभी गाय बैल का हमारा वेन डायग्राम बन गया। फिर कह रहा है कोई बैल बकरी नहीं है, तो इस तरीके से हमने वेन डायग्राम बना दिया।
अब आपका निष्कर्ष है कि कुछ गाय बकरी नहीं है, तो हाँ अगर कोई भी बैल जो बकरी नहीं है तो कुछ गाय भी बकरी नहीं होगी, यानी निष्कर्ष वन सही है। दूसरा, कुछ बैल गाय है तो हाँ कुछ बैल हमारा गाय है, तो ये भी सही है। तो निष्कर्ष एक तथा दो दोनों सही है, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरे 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 7:30 में हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका हमारा फॉर्मूले होते हैं 11/2 × मिनट, तो आपका हो गया 30 इक्वल टू हमारा हो जाता है 30 × आपका आवर, तो 7 ± थीटा, हमने इसे कर दिया 15 टाइम्स, तो 165 इक्वल टू आ गया 210 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस, इनमें हमारा सबसे अलग कौन सा है। आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है, तो इनमें सबसे अलग कौन सा है, तो आप देखो क्रिकेट हो या फुटबॉल या कबड्डी, ये तीनों आउटडोर गेम्स है, जबकि चेस जो है इनडोर गेम है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, तो चेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका ब्लड रिलेशन से, कह रहा है ए बी का भाई है, सी बी की बेटी है, डी बी की माँ है, तो सी का ए से संबंध ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ए बी का भाई है, तो ए पे पॉजिटिव साइन, बी का भाई है। कह रहा है सी बी की बेटी है, सी जो है बी की बेटी है, तो नेगेटिव साइन। अब कह रहा है डी जो है बी की माँ है, तो डी बी की माँ हो जाएगी, तो डी पे भी नेगेटिव साइन। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो ग्रैंड डॉटर है आपका, हो जाएगा ग्रैंड डॉटर आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2001 में कितने बुधवार होंगे, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप देख लो 1 मई 2001 में कौन सा दिन होगा, तो 1 मई 2001 में कौन सा दिन होगा, तो एक के लिए एक, और मई का मंथ कोड हमारा कितना होता है, तो मई का मंथ कोड आपका हो जाएगा 2, 2000 का सेंचुरी कोड 6, एंड 1 के लिए 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 7, तो 6 × 7 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गए, 3 रिमाइंडर यानी कि ट्यूजडे। अब अगर 1 मई 2001 को ट्यूसडे है, तो 2 मई 2001 को हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। आपसे पूछ रहा है कितने बुधवार है, तो 7 × 2 = 9, 9 को भी वेडनेसडे, 9 × 9 = 16, 16 × 7 = 23, 23 × 7 = 30, यानी कितने वेडनेसडे हो जाएंगे, तो आप देख लो 3 × 2 = 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कितने बुधवार रहेंगे, तो 5 बुधवार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, इसमें हमारा सबसे अलग कौन सा है, ये आपसे पूछा है कि इन सारे में से सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, सबसे अलग या फिर हम कह सकते हैं कौन सा रॉन्ग टर्म है, तो हम देख रहे हैं 2, 1, 3 और 3, 2, 5 आपका इस तरीके से जा रहा है, 6, 1, 7, 7, 2, 9, फिर 10, 1, 11, 11, 2, 13 जा रहा चाहिए, बट यहाँ पे 12 है, तो हमारा सबसे अलग सबसे यहाँ पे गलत टर्म कौन सा हो गया, तो 12 आपका गलत टर्म हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो गया 12।